हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा मैक्रो वर्ड है, इसका मतलब ही होता है लार्ज या फिर होल लेवल पे किसी भी चीज़ की स्टडी करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंट्रोडक्शन है, द वर्ड मैक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रो विच मीन्स लार्ज। मतलब जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज ग्रीक भाषा से आया हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज लेवल पे या फिर होल। इकोनॉमिक्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो के बारे में आप पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल स्टडी किसी भी चीज़ की, अ फर्म एन इंडस्ट्री, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, इसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो माइक्रो स्टडी या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में उसमें पढ़ते हैं। मैक्रो इज मीन्स दैट एग्रीगेट और होल और लार्ज लेवल। इसमें डेफिनेशन भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द कंट्री और इकोनॉमी एज अ होल। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ह्यूमन फैक्टर की जो बिहेवियर है या फिर ह्यूमन का जो बिहेवियर है उससे जो भी वो कंट्री में रहता है, ठीक है, जो इकोनॉमी को वो इफेक्ट करता है, उस बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है। इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ नेशनल लेवल एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है लार्ज लेवल पे है, होल लेवल पे इसकी इसमें स्टडी की जाती है। तो इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ नेशनल लेवल, ये नेशनल लेवल पर या फिर जो होल लेवल पर जो बिहेवियर है या जो स्टडी है उस पर फोकस करता है, सच एज नेशनल इनकम। अब जैसे हमने माइक्रो में एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में हमने बात की थी, पर्टिकुलर ह्यूमन पर्सन के बिहेवियर के बारे में बात की थी, इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में हमने स्टडी की थी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम है, टोटल आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, प्राइस लेवल ऑफ द होल कंट्री, इसके बारे में स्टडी की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी मतलब कहा जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें इट स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें इंडिविजुअल चॉइस की बात की जाती है, स्टडी की जाती है। जैसे एग्जांपल है अ फर्म एंड इंडस्ट्री, एक कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी फर्म हो सकती है। और उसी तरह से अगर माइक्रो की बात की जाए, इट स्टडीज द स्कैसिटी ऑफ चॉइस एट द लेवल ऑफ और एन इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, स्टडीज़ किसकी जाती है, स्कैसिटी, कमी की। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें कोई भी स्कैसिटी है उससे रिलेटेड स्टडी की जाती है, लेकिन इकोनॉमिक एज अ होल, जो पूरा का पूरा एक होल इकोनॉमी है उसके बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। वेरिएबल्स की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर्स डिमांड और प्राइमरी सप्लाईज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल्स हैं जैसे कंज्यूमर्स डिमांड है, प्राइमरी सप्लाई है, इसके बारे में स्टडी की जाती है, लेकिन यूजेस वेरिएबल्स सच एज एग्रीगेट्स डिमांड इन द इकोनॉमी। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें एग्रीगेट डिमांड की बात की जाती है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर डिमांड की बात नहीं की जाती है, इसमें पूरी एक इकोनॉमी की डिमांड की, कितनी डिमांड है, कितना उसका प्राइस लेवल होगा, कितनी सप्लाई की जाएगी, इकोनॉमी के बेस पर इसमें स्टडी की जाती है।